फ्रेंड्स, फ्रंट ओपन टॉप का कटिंग देख रहे हैं अपन। अब फ्रंट ओपन टॉप इसका लेंथ है 40 इंचेस, शोल्डर है 6.75, चेस्ट है 8.5, वेस्ट है 7.5 और हिप है 9.5। वेस्ट का लेंथ है अपना 14 और हिप का लेंथ है 19। स्लीव लेंथ है 17, स्लीव लूज 8 और आर्म होल है 7 3/4। फ्रंट नेक 4 है और बैक नेक फुल। ये फ्रंट ओपन टॉप है, इसको अपन विदाउट पेपर कटिंग ले रहे हैं, सो बैक का और पहले लेना है कटिंग। इसको सिंगल फोल्ड ले रहे हैं, इसका लेंथ है 40 इंचेस। 40 इंचेस पहले मेजर करना है विदाउट सीम, 1 सेंटीमीटर सीम। नीचे का सीम 0.7 है। चेस्ट लेंथ भी 6.75 होता है, जो शोल्डर का लेंथ है वही चेस्ट यूज होता है, चेस्ट का लेंथ भी होता है। अभी चेस्ट लेंथ प्लस चेस्ट लूज ले रहे हैं 8.5 और अपना वेस्ट लेंथ है 14.5। वेस्ट लेंथ को एक लाइन मार लेना है, फिर हिप लेंथ 19। वेस्ट लूज है 7.5 और हिप लूज है 9.5। बॉटम लूज 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है हिप लूज से, सो 10.5। ये पूरे लाइन्स को मैं मिलाना है। सीम अपन ले रहे हैं 2 इंचेस, चेस्ट का सीम और वेस्ट का सीम। हिप के लिए स्लिट लगा देना, इसलिए अपन 0.6 इंचेस लगाना है, इट मीन्स हाफ इंच से 1 पॉइंट बढ़कर। लेंथ 2.5 लेना है, ये 2.5 से अपन राउंड शेप करना है। इसमें आर्म होल मेरा 7.75 आना है, ये 8 आ रहा है, थोड़ा ऊपर कर शेप कर। ये जो लेंथ है इसका आर्म होल का, ये 1 इंच रहना है मिनिमम, और डाउन में अपन आर्म होल सेटिंग में 1/2 इंच से कम नहीं होना और बढ़कर 1.5 इंच से बढ़कर नहीं होना है। इसमें सीम है 1 सेंटीमीटर। यहाँ शोल्डर ये मेरा कॉलर नेक है, सो 5 एक्स्ट्रा ले रही हूँ। मेरा नेक है 2,
ट्यूब वाटर, सो बैक नेक की पॉइंट्स एक्स्ट्रा। रेस्ट ऑफ इसके पास मॉडल सेम है, इट्स कंपल्सरी। फ्रंट ओपन के लिए प्लॉकेट भी लेना है, तो प्लॉकेट के लिए मैं प्लॉकेट इनबिट ले रही हूँ, तो पॉइंट सेम है। लॉकेट के लिए 1 इंच ले रहे हैं, 1 इंच के साथ मतलब 1 पॉइंट कम ले रहे हैं 1 इंच से। उसके बाद अपना बैक पार्ट फ्रंट पार्ट पे डालना है, पर विदाउट पेपर कटिंग करना है। सो बैक पार्ट फ्रंट पार्ट ऊपर डालना, डालकर काम पर मार्किंग है, मार्किंग के बराबर डालना। अंदर प्लाकेट को प्लेस कर, मार्किंग करना और कट करना। पूरा एड्रेस देखने के बाद पूरा मार्किंग करना। टोटल मार्किंग करना और नॉचेस के प्लेस को भी नोट करना। आप फ्रेंड में स्लीव्स के पास इसमें आता हूँ 1/2 इंच क्रॉस में शेप करना और आर्म होल लेना है। जो आर्म होल में पफ जैसे आते रिंकल्स आते वो नहीं आती ऐसा लेने से। अब कटिंग करना, सेल्वेस निकाल देंगे।
टू पीसेस सेपरेट करना है। है टू क्वार्टर नेक का लेंथ टू क्वार्टर है और नेक का लेंथ थ्री एंड हाफ ले रहे हैं। राउंड शेप करना है, ज्यादा राउंड नहीं करना है, जस्ट लाइटली। प्लाटिंग के प्लेस को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, फ्राई रख देना। पैकेट देने के बाद एक्स्ट्रा कट कर देना। ये फ्रंट पार्ट है, क्लॉथ फोर फोर डाल रही हूँ। ये क्लोजर साइड और ये क्लोजर साइड है, ये ओपन साइड और ये ओपन साइड है। सेम 1 सेंटीमीटर स्लीव का लेंथ है 15.5। इसका कैप है 2.75। आर्म होल है 7.75। मार्किंग कर लेना और इधर 3.5 इंचेस पे मार्किंग करके ये मार्किंग मिलाना है इसमें और ये राउंड करना है। अब आर्म्स का शेप ऐसा लेना है, देन स्लीव लूज 4.5 ले रहे हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से फाइन लेस भी ले सकते हैं। टू इंचेस सीम है और इधर 1 सेंटीमीटर सीम। ये 1 सेंटीमीटर सीम है, सॉरी ये 0.6 इंचेस लेना है सेम फोल्डिंग के लिए, कर दे कट कर देना है। क्लोज पर एक नॉच देना है और आर्म्स पर और स्लीव मिड पॉइंट पर एक नॉच देना है। आर्म्स का शेप जो है मिड पॉइंट से अंदर शेप लेना है।
मिड पॉइंट से शेप करना है मिड पॉइंट में, और बीच में फिर मिड पॉइंट लेकर उसमें हाफ इंच से अंदर लेना है। ये फ्रंट पार्ट है, ऐसा लेने से आर्म्स में विंकल्स नहीं आते। फिर पूरी फ्रंट ओपन टॉप की कटिंग।